दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस आज हम इस वीडियो में डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझेंगे। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो हमारा होने वाला है क्लरिकल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया था जिसके संबंध में मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, जिसमें कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पर अभी और भी वैकेंसी थी जिनकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उन्हें हमें डिस्कस नहीं किया था, तो उसी का ये एडवर्टाइजमेंट है और इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम करवाएंगे वो है नेशनल टेस्ट एजेंसी। इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इंट्रोडक्शन, वैकेंसी, रिजर्वेशन, एलिजिबल क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्किंग स्कीम, आंसर की चैलेंज, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जर्नल इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिटेड मटेरियल, अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस, ब्रीच ऑफ एग्जाम रूल्स, मिसलेनियस प्रोसेस प्रोविजंस एंड रेप्लीसी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि इस पूरे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड जो है की गई है। तो जो हमारी पोस्ट है वो क्लरिकल कैडरा के लिए निकाली गई है, जिसमें कि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कॉमन रहेंगी, लेकिन पोस्ट जो है चेंज है। जैसे कि इसमें जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में बात की गई है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेनोग्राफर के बारे में बात की थी। डेट जो है वो सेम है, 4 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गए हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2024। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो अच्छी बात है, अगर पेमेंट नहीं करी है तो उसके लिए 25 अक्टूबर 2024 जो है लास्ट डेट बताई गई है। फीस की बात करें तो कैटेगरी वाइज फीस डिवाइड की गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से भी हैं तो आपको जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए ₹850 पे करने होंगे। अगर आप EWS से हैं, यूपी के अंदर हैं, और ₹750 आपको फ़ी पे करनी होगी। एससी एसटी कैटेगरी से है तो ₹650 फ़ी जो है आपको पे करनी होगी। एडमिट कार्ड के संबंध में, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के संबंध में, इनविटेशन ऑफ आंसर की ऑब्जेक्शन के संबंध में जो प्रोविज़न है वो अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो नोटिफिकेशन के द्वारा फिर से एक नई नोटिफिकेशन को निकाल कर आपको बताया जाएगा। मोड ऑफ सेलेक्शन जो है 2 स्टेज में होने वाला है। पहला है OMR बेस ऑफलाइन आपका टेस्ट होगा, और सेकंड स्टेज जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट किसकी टाइपिंग के लिए, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। यह पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए है। रिलीवेंट वेबसाइट ये है, इसका लिंक मैं हूँ जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन है, लेकिन हम बात करें जॉब के बारे में तो जूनियर असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 932 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल आपको किया जाएगा 5200 से लेकर ₹20,200, और ग्रेड पे आपका 2000 का होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, आपको जो है उर्दू और हिंदी की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपके पास CCC सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया है NIELIT के द्वारा। अब क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो जब आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं उनकी एब्रीवेशन भी आपको देखने को मिलेगी, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। 25 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी की स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात की जा रही है कंप्यूटर पर, और दूसरी चीज़ यहाँ पर अर्थमेटिक मेजरशन, एलिमेंट्री लैंड सर्वे एंड मैपिंग ऑर्डर
26 ऑफ एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 यानी सीपीसी की बात की जा रही है रिलेटेड टू द वर्क एंड ड्यूटी ऑफ ए जूनियर असिस्टेंट की क्या रहेंगी, उनको भी आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं पेड अप्रेंटिस के लिए 122 वैकेंसी है, सेम पे किया जाएगा और ग्रेड पे यहाँ पर 1900 फिक्स किया गया है। यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट आप होने चाहिए, सीसीसी सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा NIELIT के द्वारा या DOEACC सोसाइटी के द्वारा आपको इशू किया गया है। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड की बात की गई है, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट की बात की गई है। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, सेम है जिस तरीके से स्टेनोग्राफर में बात की गई थी, SC के लिए 21%, ST के लिए 2%, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% और EWS के लिए 10%, वुमेन के लिए 20% और फ्रीडम फाइटर 2%, एक्स सर्विसमैन 5%, फिजिकल हैंडीकैप्ड 4%, स्पोर्ट कोटा 1% का रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, तो एलिजिबल क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी के बारे में यहां पर डिटेल में जो है दिया गया है। और बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है यहाँ पर, और 2 जून 1985 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2006 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो। रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको 5 साल का दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करें जो सपोर्ट कोटे से पर्सन है, स्किल्ड है, उनको 5 साल का 5% यानी यहाँ पर 5 साल है उसको, मेरे से गलत हो गया, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, और सपोर्ट कोटे में 5 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, या फिर आप एयर आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं तब भी आपको दिया जाएगा। और बात करें सबसे मैक्सिमम आपको एज रिलैक्सेशन हैंडीकैप्ड पर्सन को जो है दिया जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको एक बारी देख लेना है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या पेड अप्रेंटिस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक कॉमन है जो स्टेनोग्राफर में था। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, आपको 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स के होंगे। सेकंड स्टेज आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, जिसमें कि हिंदी की जो बात की गई है वर्ड पर मिनट 25 है और इंग्लिश की है 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जिसमें से आपको 25 में से 10 मार्क्स जो है क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन इसको डिटेल में दिया गया है कि कितनी मार्किंग है, अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो तो उसको माइनस दिया जाएगा या फिर प्लस दिया जाएगा, क्या है सारी चीज़ें वो यहाँ पर इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगी। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैं दे चुका हूँ, लेकिन अगर मैं इन सभी 47 पेजेस को अगर आपको समझाऊंगा तो बहुत ही बड़ी जो है वीडियो बन जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें हर एक चीज़ डिटेल में दी गई है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हर एक चीज़ कितना आपको जो है फ़ोटो साइज रखना है, हर एक चीज़ जो है इस एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, मैं एक बार स्क्रॉल करके पूरे को आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं। यहां पर फ़ीस के बारे में दोबारा से बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसीजर क्या होगा, पेमेंट का किस तरीके से आप कर सकते हैं, इन सभी मोड के द्वारा आप कर सकते हैं पेमेंट। यहाँ पर चार्ज बताए गए हैं
और इसके रिलीवेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कुछ हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप इन सभी नंबर्स पर या फिर ईमेल के माध्यम से उनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के संबंध में अभी कोई भी चीज़ नहीं आई है, लेकिन इसमें दिया गया है इसे तब से तब तक आपका जो है यहाँ पर रिलीवेंट हो जाएगा एडमिट कार्ड। और देख लेते हैं स्क्रॉल करके और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट दी गई हैं। अनफेयर प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिन रोल, यानी कि जब भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को रीड आउट कर लेना है। यह कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको उस एग्ज़ाम के लिए इनएलिजिबल भी ठहराया जो है जा सकता है, अगर आप उनके रूल्स का वॉयलेशन करते हैं। देखो यहाँ पर आ गई लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन। अब ये जितने भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी गई है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई है, जैसा कि हमने कहा था NICLIT से CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया आपको सर्टिफिकेट, रिलीवेंट सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं इसमें एनेक्सर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे और इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पासवर्ड डालना है, पिन कोड डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है और उसके बाद आगे प्रोसेस कर देना है। लॉगिन करने के लिए अगर आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है तो आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक जो है आपको जो है यहाँ पर कर देना है। यहाँ से आप जो है इसको कर पाएंगे। बात कर लेते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी कि क्या क्या स्टेप जो है लिया जाएगा, किस किस तरीके से आपको ये डिटेल भरनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर ईज़िली तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करेंगे तो उस दौरान आपको ये भरनी है। यहाँ तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है और फ़ी की पेमेंट जो है कर देनी है, जिसमें कि आपकी ये सारी जानकारी जो है भरी जाएगी। इन सभी जानकारी को भरने के बाद आपका जो है ये पूरा का पूरा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल आउट हो जाएगा और पेमेंट करने के साथ ही आपको रिलीवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है इस तरीके से। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साइज़ आप ज़रूर देखिएगा, जितना दिया गया है उससे एक्सीड अगर आप करते हैं तो वो जो है फिल आउट नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो है सारी डिटेल आ जाएंगी और उसमें आपकी सारी डिटेल आने के बाद उसको आप अपने पास रख सकते हैं पेमेंट करने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इससे रिलीवेंट दो और पोस्टों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें बस चेंजेस ये हैं जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट से रिलेटेड वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बारी रीड आउट ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट थी मिस ना हो। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।